तो दोस्तों यहाँ से पहले इसका 12 नंबर का बोल्ट खोल लेना है। टी से नहीं तो गोटी हैंडल करा है चक्की मदद से, और नहीं तो पाना से भी आप खोल सकते हो यहाँ से खोल के। उसके बाद चेक की फिटिंग खोल लेंगे यहाँ से, चारों बोल्ट चेक की चेक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए। है तो हम लोग होल्ड करके उसको रोकेंगे, होल्ड करेंगे। बोल्ट खोलने में माउंटिंग के बोल्ट हैं, साइलेंसर खोल के हटा दिया, और आगे का आगे वाले बोल्ट खराब, इसलिए पीछे से बैटरी लूज करनी पड़ेगी, बैटरी नीचे उतर जाएगी। रैक खोलने के लिए टायर खोलने की जरूरत नहीं भी है, यहाँ से हैंड खोल लेंगे बस। ये दोस्तों हैंड का बोल्ट खोल लेंगे, लेफ्ट साइड का हैंड का बोल्ट खोल लिया, फिर राइट साइड का हैंड का बोल्ट खोल लेना है। टायर नहीं खोलना है हमें, तो अगर टायर खोले गए रैक का चोट मार लेना है आपको, नट लूज करके उसके बाद इसके जो हैंड का बोल्ट है नक्कल नक्कल पे चोट मारना है। और आप नक्कल पे चोट मारते हैं रबर की मदद से, और दोनों का हैंड निकल चुके हैं। उसके बाद अब इसको लूज करना है, और एक बार आप कभी कभार चौथे यहाँ पे अटक जाता है, तो नीचे से पेचकस की मदद से आपको यहाँ से अंदर जो आई शाफ्ट है मीडियम साफ क्रॉस की ओर से जिसको वो इसमें फंसा हुआ है उसको निकालना है। ऊपर ही जाकर फ्रेम आ गया तो मदद से आ रहा है, जिसको हाथ धोने की मदद से और मार देना, पेट कुछ लगा सकते हैं, पेट कर सकते हैं। ऊपर अटक जाता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, थोड़ा सा चोट मारना पड़ेगा, फिर उसके से खोल निकालने के लिए हट रहा है वहाँ पे। बट क्या है कि इसमें ये नहीं खास पा रहा हूँ मैं, आप कैप्टन स्लो क्या देंगे, कैप्टन यहाँ पे स्किन लगती है, कैप्टन जो भी नाम है ना तोड़ना पड़े, इसलिए हम पीछे से खोलेंगे तो चलेंगे आगे चलेंगे। नीचे और इसका फ्रेम डाउन हो गया, और इसको सिंपल रैक खोल लेना है। यहाँ पे 12 नंबर की कोटी ले लेना है, अगर कोई खोल सकते हो आप 14 नंबर तो अलग अलग बोल देते हैं, फिर 12 नंबर से 14 नंबर आगे बाहर और बिना टायर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये था कि ज़्यादा किसी का टायर खोले हुए खोलते थे, ब्लाउज खोले हुए थे, टायर खोले हुए थे, और कैसे भाई रैक चेक ना लूज कर रहे हैं, इसका ग्रीसिंग करके देखेंगे, इसमें खोल रहे हैं इसको रिपेयर कैसे करें। ग्रीस खत्म हो जाता तो ग्रीस के कारण ये आवाज़ करने लगता है, तो इसको इससे खोल के यहाँ से मूर्ति हटा के उसके बाद ग्रीसिंग करा था, पहले आवाज़ गई नहीं है ऐसे उतनी, दोबारा इसमें और ग्रीसिंग करके देखना पड़ेगा आवाज़ कम करने के लिए। रिपेयर करना है तो नॉर्मल इसमें दिखाया गया भाई, और कोशिश होते हैं वगैरह नहीं डाल रहे हैं, बस छोटा सा स्प्रिंग लगता है इसके ऊपर ऐसे, और इसके अंदर अभी ग्रीस डालते हैं। एक बार आप ऐसे ग्रीस डाल के और उसे मिले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव करके करना होता है, ताकि आप इसको दोस्तों बाग पे भी बांध सकते हैं, बाकी ऐसे पकड़ के खींचना होगा लेफ्ट राइट जब जरूरत होगा, बाकी उस पर बांध के भी कर सकते हैं, पर फिलहाल यहाँ पे मैनुअली करेंगे। ठीक है, दो बंदे की हेल्प से हो जाएगा। ये गोटी ले लेना आपको, इसके अंदर जो चली जाए और उसका फिर ग्रीस डालने के लिए काम आएगा, इसमें गोटी से दबाना पड़ेगा, टेप लगा लेना उसको, गोटी के ऊपर टेप लगा लेना है।
नहीं हो रहा, ज्यादा जाम है लग रहा है, रह की तो जाम ना है। अब क्या दिक्कत है इसमें, बुश ज्यादा टेंट डाल दिया लग रहा है, बुश बिलास से इसको लेफ्ट राइट का। देख पा रहे उसमें ऐसे लेफ्ट राइट करके आपको ग्रीस भरना है, ठीक है। और सिंपली तो उसमें पुश भी डलता है, पर पुश उसका काम हो रखा है इसका, तो बस ग्रीस भरना, थोड़ा सा ग्रीस भरना था हमने डेविड ऑन के, बस वीडियो बनाने के लिए था कि कैसे क्या करना है, तो वो प्रोसेस दिखाने के लिए। चारों बोल्ट लगा देंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। अब ब्रैकेट सही से लगाना है इसमें, देख बोल्ट वगैरह हाथ से चढ़ाना है पहले, चूड़ी से ख़राब होने का डर रहता है तो हाथ से चढ़ाना है पहले, तो उसके बाद गोटी या टी हैंडल जो भी लगाना है आपको, उसके बाद लगाना। तो टाइट करते समय ध्यान रखना कि गन नहीं मारना, हाथ से ही चढ़ाना, उसके बाद में रैचेट से टाइट कर रहे हैं, क्योंकि खोलने के लिए तो गन साफ खोल दो, प्रेशर ज़्यादा रहता है, लेकिन टाइट करने के लिए क्या होता है, अगर बोल्ट छोटा है तो टूट गया तो इसका यहाँ पे गाटरी में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा चूड़ी बनवाने में और वेल्डिंग कराने में, मतलब काफ़ी सिस्टम ख़राब हो जाता है, नट टूट जाते हैं बहुत जल्दी, इस बात का ध्यान रखना आपको। गन बहुत ही लो प्रेशर करके, प्रेशर को लो करके फिर चलाना, ठीक है। दोस्त
सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास जैक जैक लगा सकते हैं, ये जैक से काफ़ी मदद हो जाती है, और नहीं तो आप दो बंदे मिल के इसको उठा के कर सकते हो दो सावधानी के साथ में, ठीक है, ऐसे उठा भी सकते हो दो आदमी मिल के और फंसा सकते हो इसको बोल्ट, और नहीं तो जैक है ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और नीचे रख के भी होता है इसका। कवर का ध्यान रखना है, कवर अटता है वहाँ पे, और देख लेना आपको सेंटर वगैरह यहाँ पे देखना है, ये सेंटर लगाना होता है। सारे बोल्ट शुरू में हाथ से चढ़ाने हैं, क्योंकि थ्रेड का गन से डायरेक्ट नहीं लगाना है उसको, थ्रेड का पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक बोल्ट फंसा दिया हमने, गन मारेंगे यहाँ पे, एक नट लगेगा, प्रेशर गन से टाइट कर रहे हैं, पहले लो प्रेशर से बोल्ट खराब होने का डर नहीं रहता, ये हाई प्रेशर से। जब सी माउंटिंग के बोल्ट लगाएंगे, सी माउंटिंग का जो बोल्ट होता है वो लगाएंगे, तो ये सी माउंट का भी बोल्ट लग गया, ठीक है। इस साइड का एंड लगा, ऊपर है ना, स्टीयरिंग की फिटिंग कंप्लीट, इसका नट रह गया बस एंड का नट टाइट करते, और लगभग नीचे से फिटिंग कंप्लीट, नीचे से फिटिंग कंप्लीट हो गया, उसको गाड़ी डाउन करके ऊपर से बस एक 12 नंबर का इंटरमीडियम शाफ्ट है उसका बोल्ट लगाना रह गया, काफ़ी गाड़ी डाउन हो गया। सेफ्टी पिन है दोस्तों, सेफ्टी पिन लगाना होगा,
सीधी करके लगा इसको, सीधी कर ले, ठोक के हथौड़ी से ठोक ले। ये दोस्तों ये ज़रूरी होता है सेफ्टी पिन, जो उसको सेफ्टी पिन बोलते हैं, ये ज़रूरी होता लगाना, जितने बंदे लगाते नहीं है बट ये ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, ज़रा सभी वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।